हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल लौकी का हलवा, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। आप देख रहे हैं ये कितना टेस्टी दिख रहा है, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लौकी लिया है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, तो इसे अच्छी तरह से धुल लिया है। आपको भी ट्राई करना है कि लौकी बिल्कुल फ्रेश ही लें। और यहाँ साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें काजू बादाम और किशमिश है। आधी कटोरी मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है, 3 से 4 चम्मच घी लिया है, 5 से 6 चम्मच चीनी लिया है, थोड़े से नारियल लिए हैं जिसे कद्दूकस कर लिया है, और 2 इलायची लिया है, और 1 कटोरी फुल क्रीम मिल्क लिया है। अब हमें सबसे पहले लौकी को कट करना है, तो इस तरह से इसे पहले मैं पार्ट पार्ट में कट कर लूँगी और उसके बाद से इसका छिलका निकाल लेना है। तो इस तरह से मैं पहले इसका छिलका निकाल लेंगे। उसके बाद से इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद से इसका जो बीच वाला पार्ट होता है जिसमें सीड रहता है, उसे भी निकाल लेंगे। अगर आपकी लौकी में अगर सीड नहीं आया है बिल्कुल भी, तो आप नहीं निकाल देंगे तो भी चलेगा, बट मेरे लौकी में थोड़ा सा सीड आ गया है इसलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और ये जो आप पार्ट निकाल रहे हैं उसे आप किसी भी सब्जी या फिर दाल में डाल करके उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारी लौकी का निकाल लूँगी। अब इसे कद्दूकस करना है, तो उसके वो भी करके मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आप कद्दूकस कर लेंगे इसे, बहुत ही इजी तरह से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा लौकी कद्दूकस हो गया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो इस पानी को मैं निकाल लूँगी इस तरह से, ताकि जो हलवा है वो जल्दी बन सके। अगर आप नहीं निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा हलवा बनाने में। तो इस तरह से पानी जब निकल जाएगा फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा पानी निकाल लिया है, अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं कढ़ाई रखूँगी और उसमें 3 चम्मच देसी घी डालूँगी। ट्राई करिए कि आप देसी घी में ही बनाएं। और फिर उसके बाद से जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कद्दूकस किया हुआ लौकी डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद से इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए इसे भुनना है, तो हमें भुनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे इसे ढक करके बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है। तब तक हमारा जो लौकी है वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इस तरह से मैं फिर से एक बार चला लूँगी और इसे ढक करके फिर से भूनूंगी। इस तरह से आप अगर लौकी की हलवा बना करके खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे, ये इतना अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मेरा जो लौकी है वो भून गया है। अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी, तो आपको ट्राई करना है कि फुल क्रीम मिल्क ही यहाँ पर आप डालें, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर फुल क्रीम मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल मिल्क को ही थोड़ा गाढ़ा करके डालें, थोड़ी देर में ये जो मिल्क है वो फट जाएगा और इसमें बिल्कुल आपको खोए जैसा ही दिखाई देगा और टेस्ट भी बिल्कुल खोए वाला ही आएगा। तो देखिए मेरा दूध जो है वो फट गया है। आप जब भी लौकी में दूध डालेंगे तो वो फट जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। इससे डरने वाली कोई बात नहीं, इसके फटने से ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें मैं मिल्क वाल पाउडर वाला दूध भी डाल दी हूँ और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों को। अगर आपके पास पाउडर वाला मिल्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूध ही थोड़ा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और अगर आपके पास मावा है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसका जो पानी है वो हमें बिल्कुल इसे ड्राई कर लेना है, सुखा लेना है,
अब यहाँ पे मैं चीनी भी डाल दूँगी ताकि चीनी में से भी जो एक्स्ट्रा पानी आए वो भी सूख जाए साथ में ही, और इसमें जो मैंने नारियल को कद्दूकस करके रखा था वो भी डाल देंगे। अगर आपके पास नारियल का बुरादा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद से हमें बिल्कुल इसे सुखा लेना है। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, तो आप ड्राई फ्रूट्स में आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। इलायची डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब ये मेरा बनकर के हलवा बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद करूंगी और आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और सर्व करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप ज़रूर एक बार बना करके ट्राई करें। ऊपर से मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, इसे ज़रूर एक बार बना करके ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।